तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी हम आज जा रहे हैं एक नियर बाई, मसूरी के नियर बाई एक डेस्टिनेशन है, उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या देखने लायक है, जाना चाहिए आपको या नहीं जाना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो के एंड तक। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी आपको लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए ही हम थोड़ा मेहनत करते हैं, टाइम निकाल के जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉल्टी व्लॉगर्स में। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने सफर की तरफ। तो गाइस चलिए हमारे साथ बने रहिए। और धीरज जी मजाक ले रहे हैं क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है, फिर भी मैं बोलती हूँ, तो कोई बात नहीं गाइस, धीरे धीरे सब आ जाता है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं माल देवता, ये देहरादून के पास में एक जगह है अच्छी घूमने के लिए। तो अभी आपको जैसे ही हम निकले हैं देहरादून से तो आपको दिखा देते हैं। देखिए वेदर कितना बढ़िया हो चुका है, कल की तरह, पिछले व्लॉग की तरह जैसे आपको हमने दिखाया था। गाइस ये माल देवता मंदिर है जो रास्ते में पड़ता है, काफी पुराना मंदिर है ये। तो गाइस जैसे ही हम मंदिर से ऊपर बढ़ते हैं तो हमें कितने ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, आप देख ही रहे हैं सामने स्क्रीन पे। एकदम से आप जब यहाँ आएंगे आपका मन खुश हो जाएगा और पूरा चारों तरफ हरी हरी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस थोड़ा ऊपर बढ़ने के बाद ये थोड़ा रास्ता खराब मिलेगा आपको, लेकिन कोई नहीं, गाड़ी जा सकती है, आपको धीरे धीरे ले जानी पड़ेगी गाड़ी। अगर इससे आगे ज्यादा और खराब रोड हुई तो थोड़ा आगे जाना और मुश्किल हो जाएगा। देखो झरना है, उधर झरना निकल रहा है, इसको व्यू में ले लो, यहीं से ले लो, ये रोक के गाड़ी, कोई नारी पीछे अभी वो देखो सामने। लेकिन यहाँ पे आपको मैं व्यू दिखाता हूँ थोड़ा, यहाँ पे जगह जगह आपको इस तरह के छोटे छोटे से झरने निकलते हुए मिलेंगे। और ये आपको इस तरह एक और देखिए मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह के थोड़ा बड़ा झरना देखिए ये निकल रहा है ऊपर पहाड़ से, ये देखिए। अब ये नीचे ये छोटी एक नदी है जो कि ये बह रही है, बाकी अभी आपको हम एक झरना आगे भी निकल रहा है, एक झरना और आपको दिखाते हैं। जगह जगह पे आपको देखिए मिल जाएंगे इस तरह के छोटे छोटे झरने, ये बिल्कुल साफ पानी है दोस्तों, आप इसको पानी को पी सकते हैं, नहा सकते हैं। मैं छू सकती हूँ? बिल्कुल नेचर के बीचों बीच हैं आप अभी, बिल्कुल शांति। और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशन है, और यहाँ पे आप बस अकेले ही हो, कोई और दिखेगा भी नहीं आपको जल्दी से। ये बच्चे बड़े शरारती हैं, वो भी जल्दी चक्की भी।
गाइस ये देखे, ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं बिल्कुल। और ये अब हम आपको दिखा रहे, देखिए गाइस कोई बाइक आ गई है तो हमें अगर आपका नहाने का मूड है तो आप यहाँ पे अच्छी तरह नहा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए गाइस ये झरना आ कहाँ से रहा है, देखिए ऊपर से बहुत ऊपर से ये पानी गिर रहा है। ऊपर नहीं जहाँ गाड़ी जा रही है ना, ना उधर नहीं किनारे गोरी की थार खड़ी है, थार गोरी को थार लेनी है, थार मुझे बड़ी हो के थार चलाऊंगी मैं, बोले हो के बोले थार चलाएगी थार, हां बड़ी हो के थार। ऐसे रास्तों के लिए सही रहती है ऐसे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी फिर शायद थार चलाऊंगी। तो गाइस देखिए रास्ते तो बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं और बारिश भी आ गई है धीरे थोड़ी थोड़ी। देखिए बारिश आ चुकी है और हम लोग आ चुके हैं अपने। गाइस जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता और खराब होता जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम कहीं यहीं थोड़ी जगह देख के और कहीं स्टे करते हैं। बाइक वाले खुद फंसे पड़े, अभी एक पत्थर आ गया था गाड़ी के नीचे, अच्छा हुआ फंसा नहीं वो, नहीं तो गाड़ी को यहीं पर रोक लेता। गाइस फाइनली हम रुक चुके हैं अभी एक स्टॉप देख के, गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है अपनी। तो अभी दिखाते हैं आपको, देखिए लोकेशन, तो यहाँ पे हम रुकेंगे, थोड़ा मैगी सेगी बनाएंगे, थोड़ा चाय चोय बनाएंगे। तो गाइस बहुत ही बढ़िया शांत लोकेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहीं का आपको ये लोकेशन भेज देता हूँ, टैग कर देता हूँ साथ में। मैं वैसे सही बताऊँ तो आप मसूरी भी जाओगे ना तो भी आपको ऐसे व्यू ऐसा लोकेशन नहीं मिलेगा। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, हाँ बोलिए। गाड़ी आ रही है, गाड़ी पीछे से हट जाऊं। तो गाइस हम जैसा कि पहुंच चुके हैं, हमने गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्क कर दी है और बिल्कुल बगल में ही आप जैसा देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ पानी की एक नदी है वो बह रही है। तो अभी बच्चे वगैरह यहाँ पे नहाएंगे और हम लोग अभी थोड़ा सा सेटअप करेंगे यहाँ पे और बिल्कुल बीचों बीच नेचर के और बहुत ही मतलब अच्छी जगह है।
हम लोकेशन टैग कर दे रहे हैं, अगर आप आ रहे हैं कभी ऋषिकेश देहरादून मसूरी साइड तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और बाकी अभी हम थोड़ा मैगी शैगी अपने चाय वगैरह बनाएंगे यहाँ पे, तो देखते हैं। और यहाँ पे रिसोर्ट वगैरह भी बने हुए हैं काफ़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो स्टे करने के लिए भी अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप वो स्टे कर सकते हैं। तो गाइज अब टाइम है थोड़ा मस्ती करने का, थोड़ा नहाने का, तो हम नहाते हैं, आप एंजॉय करते रहिए वीडियो। और रोड आप देख सकते हैं बिल्कुल गीली है क्योंकि बारिश भी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। और बाकी तो आपको हम ऐसे ऐसे लोकेशन पे ले जाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं। तो गाइज ये देखिए हम नीचे आ चुके हैं नदी में, ये देखिए कितना तेज़ बहाव है, पानी बहुत ठंडा है और ये बहुत स्लिपरी भी है, ये पैर स्लिप हो रहे हैं इस पर, तो कोशिश कर रहे हैं हम उतरने की। बच्चे आगे वो ऑलरेडी नहा रहे हैं, मैं थोड़ा फ़ोन पे एक बात करता करता थोड़ा आगे आ गया था, तो अभी वापस जाने में महाभारत हो रही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस बहुत ठंडा पानी है, आपको कसम से मज़ा आ जाएगा नहाने में, अगर गर्मियों में आप यहाँ आते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा पूरा। ये देखिए क्या लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है यहाँ की। गाइस पत्थर बहुत स्लिप हो रहे हैं, मतलब आपका पैर बार बार स्लिप होगा, आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। ये देखिए गाइस आसमान का रंग कितना नीला है, ये पानी बहुत तेज बह रहा है गाइस। नहीं नहीं कैमरा भीग जाएगा पागल। तो देखिए गाइस गोरी मस्ती कर रही है, उधर आईजी भी मस्ती कर रही है। देखिए गाइस गोरी मजे ले रही है, गोरी इधर आयुषी। ये देखिए गाइस थोड़ी मुझे ले रही है इधर, इधर आयुषी है। और ये अच्छा लग रहा है आपको? तो जैसा कि गाइस हम नहा चुके हैं सब और मस्ती पूरी कर चुके हैं बच्चे, तो अब इनको लग गई है भूख, तो अब ये बनाएंगे मैगी। तो ये अपना सब जो है तामझाम जोड़ के बैठ गए हैं, ये देखिए ये अब मैगी की तैयारी हो रही है। अरे बना भी ली क्या? नहीं, ये क्या है, मैक्रोनी? अच्छा भूख लग गई, क्या मैगी बना रहे हो पहले चाय बना रहे हो? चाय और मैगी। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं तो ये पेड़ है करी पत्ते का ही है शायद, हम लोग खाने में डालते हैं इसको, जो भी गुजराती या
कढ़ी में भी डलता है ये, एक मिनट देख लेता हूँ, वही है कि जी 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 बिल्कुल वही पेड़ है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये पूरे लाइन से ये पूरे पेड़ खड़े हुए हैं। गौरी क्या खा रहे हो आप हमेशा खाते ही रहते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। चाय हमारी बन चुकी है, ये देखिए, और हमारी मैगी भी बन चुकी है। ये हमारी मैडम जी है, मैगी बना रही हैं। बोरी के भी बनेगी ना मैगी। तो गाइस ये हमारी मैगी बनके तैयार है, पहाड़ झरना और मैगी, इससे किलर कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है दोस्तों। ट्राई करते हैं, खाते हैं। गाइज हमने जो भी यहाँ पे बनाया था, जो भी कूड़ा कबाड़ा था, हमने ऐसे ही फैला हुआ नहीं छोड़ दिया है, हमने उसमें आग लगा दी है ताकि वो ख़त्म हो जाए और यहाँ पे गंदगी ना फैले। आप भी अगर कुछ ऐसा करते हैं तो कृपया उसमें आग लगा दिया करें, जिससे कि पोल्यूशन थोड़ा कम हो, नहीं तो ये पन्नी वगैरह रैपर वगैरह, अभी हमसे पहले कोई और आया होगा तो देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने पूरा सब कुछ कितना गंदा लग रहा है। लेकिन हमने बनाया था तो हमने वो सब कुछ भी निशान नहीं छोड़ा है यहाँ पे, वो सब ख़त्म हो चुका है। सो इट्स टाइम टू मूव नाउ। तो गाइस जैसा कि अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, तो लेकिन अभी भी इनका फोटो शूट चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड कैमरे में, क्योंकि अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अंधेरा हो चुका है पूरा और हम थोड़ा सा ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे रोड खराब है। अब फाइनली इनका फोटोशूट खत्म हुआ है तो अब ये आने लग रही हैं, तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज यहाँ पर है कड़ी पत्ता, तो धीरज जी जा रहे हैं कड़ी पत्ता तोड़ने, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ऊपर ये सारा कड़ी पत्ता लगा हुआ है, चलते हैं पीछे पीछे। यहाँ पे थोड़ा बिच्छू घास भी है, थोड़ा बच के जाना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं यहाँ तक आती हूँ। तो गाइज ये देखिए सारा कड़ी पत्ता है यहाँ पे। गाइज जैसा आप देख सकते हैं रास्ता इतना खराब है यहाँ पे कि आप
इतना लेट ना करें यहाँ पे, थोड़ा सा जल्दी यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि आसपास आपको कुछ भी ना कोई मैकेनिक मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा, इतने बड़े बड़े पत्थर और पानी भरा हुआ है रोड पे। देखिए ऐसे रास्ते हैं, पूरा क्रॉस कर रहा है पानी पूरे रास्ते को। नाइट फोटोग्राफी बढ़िया आई थी इसकी, है ना? देख कितना क्लियर आ रहा नाइट में। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जाते हुए भी आपको दिखाया था ये माल देवता का मंदिर, और अभी हम वापसी में आए हैं तो यहाँ पे आरती हो रही है। देखिए आपको साउंड भी आ रही होगी। तो गाइज हमारा आज का ट्रिप समाप्त हुआ, और हम जैसा कि आपको बताया था कि फिर डिनर करेंगे, तो ये उसदा ढाबा है, बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है, तो हम यहाँ पे डिनर अभी करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।